हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस में VVI मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो यदि आप भी 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studybee.in, इस पर जाकर आप बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण होता है। तो क्या है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण होता है। तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित हो रहता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्या होगा उसमें आपका, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होता है कि बढ़ता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। तो ऑप्शन ए है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी है क्षारीय धातु, ऑप्शन सी है अक्रिय गैस, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। क्या हो जाएगा इसमें आपका, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा कि क्षारीय धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रिक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ब्रिक किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, किडनी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, किडनी से को बोलते हैं। तो यानी कृत्रिम ब्रिक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो आपका हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। क्या हो जाएगा इसमें आपका, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका हो जाएगा इसमें उपचयन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन ए संयोजन क्रिया से, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी अपघटन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जाल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जाल में जल में रहता है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें आपका, डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में भी रह सकता है ना, और गंदा जल में भी रहता है, यानी गंदा जल में रहता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, डेंगू से क्या होता है, डेंगू से क्या होता है कि मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा सभी, यानी ऑक्सिन भी हो जाएगा, जिब्रेलिन भी हो जाएगा, साइटोकिनिन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा एक्सॉन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है। क्या होता है अंडाणु आपका, अंडाशय से निषेचित होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है डिम्बवाहिनी। क्या हो जाएगा इसमें आपका, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका
शुक्रवाही का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किससे बनता है फ्रेंड्स, किसमें बनता है शुक्राणु, है ना, शुक्राणु किसमें बनता है, तो वृषण में बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ऑर्गन ऑफ स्पैसीज किसके द्वारा लिखा गया, द ऑर्गन ऑफ स्पैसीज किसके द्वारा लिखा गया, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है आपका ओजोन परत, तो एस्ट्रोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, निम्नांकित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ऑप्शन है नदी, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है समुद्र, क्या हो जाएगा इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, इसमें हो जाएगा आपका कुआं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी हानि होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हानि होता है, तो क्या होता है उसमें, उसमें हो जाएगा आपका संक्षारण द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो हानि होता है ना, अपचयन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CO2 होता है फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसमें आपका, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो ऑप्शन ए आँख का रंग, ऑप्शन बी है चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी है शरीर का आकार, ऑप्शन डी है बाल की प्रकृति, क्या हो जाएगा इसमें आप, कौन सा रंग अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका बाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, तो ऑप्शन ए है आपका 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 18, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, तो कितना होती है आपका, अब कितना होती है 18 होती है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।